वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडल अवर क्लास नाइन्थ मैथ सैम्पल पेपर के क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा का सारा कॉन्सेप्ट होने वाला है, तो आपको हर एक क्वेश्चन को देखना चाहिए ताकि आपका हर एक कंफ्यूजन दूर हो जाए एग्जाम में और बहुत अच्छे से स्कोर कर पाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। इफ ईच साइड ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल इज 3√2 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल। जैसा आपको देखने को मिल रहा है आइसोसेल्स ट्राइंगल है, मतलब दो साइड इक्वल होगा और एक हमें बेस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर है ना, और बाकी साइड दिया है 3√2 सेंटीमीटर। ऐसा है, हम लोग यहाँ पे करते हैं कुछ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है कि लेट अस सपोज ऐसे हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर है, इसका लेट अस सपोज नाम दिया डी। तो हमें पता है कि आइसोसेल्स ट्राइंगल से अगर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होते हैं बेस पे वो इसको बाइसेक्ट करता है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब अगर टोटल लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो इधर भी कितना होगा, सॉरी टोटल लेंथ अगर 8 सेंटीमीटर है तो इधर भी 4 सेंटीमीटर होगा और इधर भी 4 सेंटीमीटर होगा, इस टाइप से होगा है ना। तो ये हो गया अब हम लोग का, क्योंकि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, मतलब यहाँ का एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा। हमें पता है हाइपोटेनस, हमें पता है बेस, तो हम लोग परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर निकाल क्यों रहे सर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग का क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस तो हमें पता है, हाइट पता चल जाए तो हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। तो इसी के लिए हमें निकालना होगा क्या, इस इस परपेंडिकुलर को। चलिए निकालते हैं, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद इसका हम लोग गिवन पार्ट को लिखते हैं बहुत से फटाफट से। आइए सॉल्व करते हैं। गिवन हमारा है साइड ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल, आप लिखोगे साइड ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल वो कितना है हमारा 3√2 सेंटीमीटर एंड बेस कितना ले बोल सकते हो, बेस बीसी इक्वल्स टू कितना हो गया, बेस बीसी इक्वल्स टू हमारा हो गया 8 सेंटीमीटर। तो यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर बीडी इक्वल्स टू सीडी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, बीसी बाय टू, इसका हाफ हो जाएगा और बीसी 8 सेंटीमीटर है तो 8/2 यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, इतना हमारा हो जाएगा कौन सा बताओ, बीडी या फिर बोल सकते हैं सीडी। अब चलते हैं नाउ इन ट्राइंगल कौन सा ए बी डी में या ए सी डी किसी में चल सकते हो, तो हम लोग चलते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी में। ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बताओ क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ऐसा होगा। हाइपोटेनस कितना है 3√2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर हमें फाइंड करना है प्लस बेस कितना है 4 का स्क्वायर है ना। एक बार मैं लिख दे रहा हूं, तो यहां पे बताओ कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9 2 18 इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 16 है ना, हमें ऐसे आया है। फिर अगर हम लोग इसको अपोजिट करके लिखना चाहें तो पी स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू 18 या फिर पी स्क्वायर इक्वल्स टू 18 माइनस 16 या फिर पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 या फिर पी इक्वल्स टू √2 यानी जो हमें परपेंडिकुलर आया है इसका वैल्यू जो आया है वो आया है √2। बताओ कितना आया है वैल्यू, √2। अब चलते हैं आगे और लिखते हैं नाउ हमें क्या चाहिए, आइसोसेल्स का एरिया। तो हम लोग लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हमारा होता है हाफ बेस इंटू हाइट का वैल्यू कितना है, टोटल बेस बताना है, इसका नहीं, टोटल बेस कितना है 8, बहुत अच्छे। हाइट हमें यानी कि हमें चाहिए एडी, ठीक है, हमें चाहिए एडी और उसके लिए परपेंडिकुलर के फॉर्म में लैटिस √2 परपेंडिकुलर मतलब यही निकला है ना, और इसके लिए हाइट ही है। ठीक है, तो कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 4√2। इतना क्या, क्योंकि वैल्यू जो था सेंटीमीटर में और एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप कि सारा का सारा कंफ्यूजन इस टॉपिक का क्लियर होगा क्या होगा कि कैसे स्टेप्स क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कॉन्सेप्ट और एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।